हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन टैरो 888। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं। कल हमने चेक की थी रीडिंग में कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, और आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जीज हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कॉन्टेक्ट में होते हैं, नो कॉन्टेक्ट में होते हैं, हमें पता नहीं होता कि उनकी लाइफ में फर्दर क्या चल रहा है, और टैरो हमें सही जवाब देते हैं इस चीज़ का। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 questions रीडिंग भी होती हैं, मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ना आपके लाइक्स आ रहे हैं ना सब्सक्राइब आ रहे हैं। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लास्ट शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। ऑलराइट, फर्स्ट 7 of Swords, 9 of Cups, 10 of Pentacles, 3 of Wands, 4 of Cups. All right. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. So guys, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेरे पास जो बॉटम डेक की एनर्जी है वो आई है 7 of Wands की। 7 of Wands से पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी में रहते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत स्पीड से लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आगे इस रिलेशन में क्या होगा, या ये काम जो मैं शुरू करने वाला हूँ इसका क्या आउटकम आएगा। तो बॉटम डेक की एनर्जी जो आ रही है उसमें इस वक्त वो बहुत तेज़ी में, बहुत ऐसा लग रहा है कि 50-50 के आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, ये वाली कंडीशन है उनकी। जबकि यहाँ पे 7 of Swords मुझे बता रहा है कि चाइल्डिश बिहेवियर रहा उनका, किसी सिचुएशन में रहना नहीं है, छोड़ देना है, छोड़ के एकदम से सिचुएशन को आधा अधूरा चला जाना है। देखें 5 of Swords है और 3 of Swords, जिसकी वजह से वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं। इस वक्त जो उनको लग रहा है कि वो अपने फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं, किसी अथॉरिटी में आना चाह रहे हैं, लव हैं, इमोशंस हैं जिनको होल्ड बैक कर रहे हैं, वो कम बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 of Cups से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में है। कोई उनकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन उनकी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पे रिटर्न का कार्ड आ रहा है मेरे पास 3 of Wands का। तो इसी उससे पहले मेरे पास 9 of Pentacles है कि जिस रिश्ते में उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही थी उसकी तरफ वो कम बैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स और इसको एक्सटेंड करते हैं कि अगर मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ये एनर्जीज चल रही हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। लास्ट शफल, ऑलराइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 of Swords, 4 of Wands, 5 of Cups, 3 of Pentacles. ऑल राइट, सो गाइस कार्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन के अंदर है। किंग ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि उनके माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई अथॉरिटी फिगर बंदा है उनकी लाइफ में। अगर आप मेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, जिनसे वो डिस्कस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि 5 of Cups से ऐसा लग रहा है कि अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया उन्हें नज़र आ रहा है उसका मुझे कुछ भी आउटकम नहीं मिला है। अपने माइंड से मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आता चला गया। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज हुई हो, मैरिज के बाद सेपरेशन हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो। मुझे जो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है मेरे पास, इस रिलेशनशिप को उन्होंने बहुत ज़्यादा इगोइस्ट तरीके से टैकल किया जिसका उन्हें अंदाज़ा हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखें द लवर्स का कार्ड आ रहा है और द एम्परर और द एम्प्रेस, ये डिवाइन कनेक्शन है।
ठीक है, अब उनको जाके नज़र आ रहा है कि अगर वो इस सिचुएशन से भागे भी थे तो डिवाइन कॉलिंग हो रही है उनकी तरफ, और बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोले हैं और उन सारी चीज़ों का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आपसे तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भरपूर एहसास हो रहा है, और उन्हें नज़र आ रहा है कि वो अगर एम्परर की पोजीशन में थे, बहुत ईगो से डील कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे एम्प्रेस का रोल अदा कर रही थी। एम्प्रेस आप मेल हैं तो यह एनर्जी आपके अंदर हो सकती है, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो रही है, और वो किसी से आपके रिश्ते को लेके डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो डिस्कशन पोजीशन पे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और अपने ईगो को कहीं ना कहीं साइड पे रख के वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये डिवाइन की तरफ से है तो ये सारी सिचुएशन कैसे हो गई, और डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियों का रिग्रेट है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है, तो मुझे मज़ीद इसके लिए किसी से गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। उनके माइंड में अभी यही चल रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे इस चीज़ का बता रहे हैं कि वो आपके और अपने कनेक्शन को लेके किसी ना किसी से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेके अगर वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं या उन्हें कोई किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिससे भी वो डिस्कस कर रहे हैं आपके और अपने रिलेशन के बारे में, तो वो उनको किस किस्म की एडवाइस दे रहे हैं। लास्ट शफल, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड्स, द मून। ऑल राइट, थ्री ऑफ कप्स बॉटम डेक की एनर्जी मेरे पास आई है, फाइव ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, देखें गाइस, यहाँ पे तमाम कार्ड्स आपके सामने मौजूद हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि वो जिससे भी आपके रिलेशनशिप को लेके डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने आप वो सच्चाई के साथ डील कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर वो आपके बारे में नेगेटिव कोई बात कर भी रहे हैं, तो वो उस चीज़ पे उन कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, और बाहर के लोग भी अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं तो उन्हें वो चीज़ बुरी लग रही है। हो सकता है टाइम रहा हो कि वो आपको खुद लो फील कराते हों, डिग्रेड करते हों, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करते हों, लेकिन आज कहीं बाहर के लोग अगर आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, और वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी समझ रहे हैं कि ये एक साइकिल है जिसको कंप्लीट करना था, शायद अगर ये मोमेंट उनकी लाइफ में नहीं आता तो उनको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आ सकता था, इस रिश्ते को वो समझ नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। एस ऑफ वैंड के साथ वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोग उनको ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जितना आपने अभी तक रिसीव किया है उतना आपको इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन विक्ट्री होगी, सक्सेस होगी। ये देखें, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो अपनी शादी को बचाने के लिए देखें। लास्ट में डेवल की एनर्जी आ रही है कि इस रिश्ते को स्टकनेस से उनको निकालने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी एक हैप्पी फैमिली होगी। क्रॉस रोड पे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो अपने आप को, तो बाहर के लोग अभी तक जो उनको एडवाइस दे रहे हैं वो आपके फेवर में ही हैं, और अगर वो फेवर में नहीं भी दे रहे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आइडिया हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर चुके हैं, और इस रिश्ते की तरफ जो है बहुत डीप थिंकिंग में है, वो मून की एनर्जी में है, सही और गलत का फैसला करना चाह रहे हैं और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लास्ट शफल,
एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आई थिंक कार्ड आपको सही से विजिबल हो। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ आपको कि जैसे कि नेक्स्ट एक्शन में हमारे पास आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वो आपके साथ थ्री ऑफ कप्स चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ अपने इमोशंस वो आपकी तरफ, हो सकता है इनमेच्योर तरीके से उन्होंने इस रिश्ते को डील किया है, लेकिन अब वो मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजिशन में वो आ चुके हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपसे बोला कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक कमिटमेंट पे आके एक ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि बॉटम डेक में मेरे पास आ रहा है एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस तक इसमें कब तक बंधे रहेंगे, इस सिचुएशन के अंदर कब तक बने रहेंगे, इन दी एंड उन्हें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो आउटकम में वो नज़र आ रहा है कि अभी इस वक्त वो जो है बहुत ज़्यादा अपने वर्कहोलिक हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस पे, करियर पे, जॉब पे उनका ध्यान है कि वो आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकें, आपकी तरफ आ सकें, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन तमाम साइन मौजूद हैं, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, तमाम साइंस मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे जो सिचुएशन रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में हम चेक कर लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, अगर ये सारी सिचुएशन है तो मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। लास्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आ रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि आपने इसमें इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा किया, इसमें आप परेशान नहीं हो, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपका जो भी रिश्ता रहा है तो उसमें आप बैलेंस बनाएं, बैलेंस बना के चलें, पेशेंस बना कर चलें, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और पेशेंस के साथ चलेंगे आप तो आपका ये रिश्ता एक स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में आप हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत इमोशनल थे, आप ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया यही है, इतना सब कुछ देते देते आप बिल्कुल क्रॉस रोड के ऊपर आ गए, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए, आपको पता नहीं चला और ये पर्सन जो था आपको छोड़ के कहीं दूर चला गया। तो नाइट ऑफ कप्स से गॉड की ब्लेसिंग इस रिश्ते के ऊपर मौजूद है, वो ज़रूर कम बैक करेंगे। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें बताता है बैलेंस का, वेटिंग एनर्जी बताता है। तो टू ऑफ वैंड्स से मैं देख पा रही हूँ कि वेटिंग एनर्जी पे हैं अभी वो, और आपको भी वेट करना चाहिए, आप इस वक्त बहुत पेनफुल कंडीशन में हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे पास आया है, ये देखें, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे पास दोबारा आया है, और आप मूवमेंट लेना चाहते हैं उनकी तरफ, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अभी अपने इमोशंस को होल्ड कीजिए, ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन उनको कॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का ज़रूर एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। रीडिंग अगर लंबी हो गई हो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ये थी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ के इस वक्त उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेल हैं तो आप इसको अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा। ये टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल एनर्जी है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आएगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। किसी पर्सनल टॉपिक के ऊपर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर कलेक्टिव रीडिंग हो सकती है।
एंड नेक्स्ट ये है कि अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन रीडिंग भी मैं करती हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एक डिटेल रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी। 1 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।